सप्ताह में सिर्फ दो बार लगाया, फिर जो हुआ देखकर चौंक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालों को किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से घना लंबा बनाना है। जिन लोगों के बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिन लोगों के बाल पतले हो गए या स्केल्प में काफ़ी डेंड्रफ हो गई है इंचने से, या आपको समय से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम होगी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, एंड का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, उसमें आपके लिए कुछ स्पेशल है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर आप पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं हम किस तरीके से इस रेमेडी को तैयार करना है, वो भी बिल्कुल आसान तरीका होगा जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर आपको इतनी क्वांटिटी में लेना है जितनी आपकी बालों की ग्रोथ हो। तो आंवला पाउडर हमारी इचनेस को कम करता है, स्केल्प में जो काफ़ी डेंड्रफ हुआ था उसको दूर करता है। ड्राई स्केल्प के लिए आंवला पाउडर बहुत ही फायदेमंद रहेगा, हेयर लॉस को भी रिड्यूस करता है, कम करता है, और हेयर ग्रोथ को मेंटेन करने में बहुत ही फायदेमंद होगा, हेयर की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा ये आंवला पाउडर। तो आंवला पाउडर आपको बालों की लेंथ के हिसाब से निकाल लेना है एक बाउल के अंदर। अब हम इसके अंदर दूसरी चीज़ मिलाना है, वो है गर्म ऑयल, यानी कि वर्म ऑयल लेना है। आप कोई भी हेयर ऑयल ले सकते हो, आप कोकोनट हेयर ऑयल को हल्का सा गुनगुना करके आंवला पाउडर के अंदर मिक्स कर देना है, इतना मिक्स करना है ताकि अच्छा सा थिक पेस्ट तैयार हो जाए। अब हम इसके अंदर लास्ट चीज़ ऐड करना है, वो है विटामिन ई की कैप्सूल। आपके अगर बालों की लंबाई ज़्यादा हो तो दो भी ले सकते हैं, वरना एक से ही आपका काम चल जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बात करेंगे इस पेस्ट को किस तरीके से यूज़ करना है। आपको नहाने से कम एक घंटा पहले इस पेस्ट को लगाना है स्केल्प पर, और पूरे बालों की लेंथ पर लगा लेना है, और बालों को आपको कवर करके रखना है, और एक घंटे बाद आपको बालों को वॉश कर देना है माइल्ड शैम्पू से। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उससे आपको बालों को क्लीन कर देना है, ऐसा आपको हफ्ते में दो बार करना है, और फिर देखना है आपको बालों में क्या रिजल्ट मिल रहे हैं। आपके बालों की झड़ने की प्रॉब्लम कम होगी, आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे थे वो धीरे धीरे कम होंगे, और आपके बालों की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो को जरूर पसंद आएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।